नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारत का भगोड़ा आतंकी दाऊद पाकिस्तान में, ये सभी जानते हैं, और पाक सरकार उसको सुरक्षा दे रही है। वहीं से वो भारत के खिलाफ साजिशें रचता है और पाक की शह पर कश्मीर में आतंकी गतिविधियां चलाता है। इसी बीच उसकी कई खबरें आती रहती। उसी कड़ी में हमने कुछ दिनों पहले उसकी गर्लफ्रेंड महविश हयात के बारे में आपको बताया था। अब वही गर्लफ्रेंड महविश हयात इमरान खान को गद्दी से उतार खुद पीएम बनना चाहती है। महविश ने दावा किया कि इमरान खान जब से सत्ता में आए हैं पाकिस्तान की हालत खराब है। वो क्रिकेटर अच्छे थे, प्रधानमंत्री नहीं। महविश हयात से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप अगले चुनाव में इमरान खान को राजनीतिक चुनौती देने जा रहे, तो इस पर हयात ने कहा कि मैं उन्हें चुनौती नहीं देना चाहती, लेकिन बाद में किसी न किसी को तो उनकी जगह लेनी होगी और मैं प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हो सकती। महविश ने दावा किया कि जब से पीटीआई की सरकार पाकिस्तान में आई है तब से समाज की सोच में बदलाव आया, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने कहा कि उनका इरादा देश में सकारात्मक बदलाव लाना, ये समय बताएगा कि मेरा सपना संसद में पहुंचकर पूरा होगा या नई पार्टी बनाकर। जानकारी देते चलें कि पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दाऊद पाक एक्ट्रेस महविश हयात के साथ रिलेशनशिप में। यह भी कहा जा रहा है कि इस खबर के सामने आने से डॉन आग बबूला हो गया था और इस बात की जांच करा रहा है कि ये जानकारी सार्वजनिक कैसे हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उम्र में दाऊद से 27 साल छोटी है महविश। इस वक्त वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। इस बारे में चर्चा तब शुरू हुई जब महविश को नागरिक सम्मान तमगा इम्तियाज दिए जाने पर सवाल उठने लगे। पाक मीडिया की माने तो दाऊद महविश को एक आइटम सॉन्ग में देखने के बाद फिदा हो गया था और उसके बाद उसने महविश को कई बड़े प्रोजेक्ट्स दिलाने में मदद की, जैसे भारत में कई हीरोइंस को दिलवाया था। महविश की पहचान लोड वेडिंग, पंजाब नहीं जाऊंगी और एक्टर इन लॉ जैसी फिल्मों से बनी। जल्द ही कहा जाने लगा कि महविश की मदद कराची का कोई ताकतवर शख्स कर रहा है जिसका इमरान खान की पार्टी से अच्छे संबंध है। बाद में पाक मीडिया में कहा गया कि वो शख्स दाऊद इब्राहिम ही। तो अब आप समझ सकते हैं कि आखिर महविश किसके बल पर इमरान खान को टक्कर देने जा रही और किसकी वजह से उनके अंदर हिम्मत आई। लेकिन ये अच्छी बात है, सबको हक है अपना सपना पूरा करने का। अब महविश का सपना पीएम बनने का है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए शॉर्टकट अच्छा नहीं होता। अगर महविश खुद कुछ करके इमरान खान को चैलेंज करती तो ज्यादा अच्छा होता।